लज्जा मेरी राखियो करती हूँ अरदास। सजनों, आज मैं त्रिमूर्ति कैसेट के सौजन्य से यह नवीन पेशकश खूनी चुनरिया यानी हत्यारा भाई बड़ा दुखमय इतिहास आपके समक्ष लेकर के चल रही हूँ। तो आ जाइए भाई, ये श्रवण करते हैं। राजनगर था गाम बड़ो सुख धाम, सुनो नर नारी भैया बहना की जोड़ी उसमें थी अति प्यारी। छोटी बहन है जिसका नाम श्यामा है और भैया बड़ा है जिसका नाम गोपाल है। आगे हुआ क्या? थोड़े दिन पश्चात रे भैया की भाई सगाई, भाभी आ गई है। दोनों ननद भाभी में बड़ा प्यार है। जैसे ही श्यामा सियानी होती जा रही है तो गोपाल भैया को चिंता हो रही है। क्या श्यामा शादी योगी भ्रात को चिंता छाई है, पास में पैसा नहीं करूं मैं कहां सगाई है। भाइयों, गोपाल भैया रो रहा है कि मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं अपनी बहन की शादी करूं तो कहां करूं। रोई रहो गोपाल भैया है मेरी नैया
परिवार देखा है। और बहन की शादी करी भाग की खींची रेखा है। विदा बहना की कीनी है की दुआएं लेती जा तुझे सुखी परिवार मिले। कभी ना याद आए मैया की कभी ना याद आए। सासुन का भारी प्यार मिले। तेरे द्वारे पर निस दिन श्यामा सुंदर सुंदर फूल खिले। सब सखियां दुआएं देती हैं, सब सखियां दुआएं देती हैं। साजन का तुझको प्यार मिले। भैया की दुआएं लेती जा।
तुझे सुखी संसार मिले। बाद हुआ क्या, बीत गयो कछु काल, सुना भी हाल सभा के भाई, श्यामा बहना को याद रे अपने भैया की आई। क्या बोली है, अरे सासुली ने गिरा रे उचारी, जब से तू इस मेरे घर में आई है तब से मुझे बहुत सम्मान मिला है, प्यार मिला है। बेटी तू अपने पीहर मत जा। जब इतने शब्द सुने हैं तो श्यामा रुक गई है। जब सावन का महीना आया है तो कहने लगी है, माँ मैं तो अपने पीहर जाऊंगी। और रो रो करके श्यामा बोली है, मैया रोई रोई के श्यामा बोली, सासुल सुनो हमार, बेजी दे पीहर मैया काहे कु करती अवार।
रोए रोए श्यामा कहे कि आशा जाग रही। सावन का है मास निराला, सावन का है मास निराला, रागी का त्योहार भेजी दे पीहर मैया काहे गुजरती अवार। बालापन की संग सहेली सब आवी, इसी बहाने से हम उनसे मिल आवे। याद सतावे हमको मैया, याद सतावे हमको मैया, बेगल हूँ हर बार भेजी दे पीहर मैया काहे को करती अवार। श्यामा ने जब पीहर जाने की आज्ञा मांगी है तो सास कहने लगी है बेटी तू पीहर जागी तो, मगर कहने लगी मेरे पास में पैसा नाय रे बहू मेरी प्यारी। अपनी सासुर के करुण बहन सुन करके श्यामा ने कहा मैया मेरी विदा करते समय मेरे भैया ने एक सोने की चूड़ी मुझे दी थी, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो उस चूड़ी को बेच करके मैं अपने भैया के लिए राखी ले जाऊं। जब इतने शब्द सुने हैं तो श्यामा की सास कहने लगी बहू तुम चूड़ी बेचने की बात कर रही हो, मैंने तो सोचा था कि मेरी बहू पर एक चूड़ी रखी है दूसरी और बनवा दूंगी, लेकिन तुम बेच रही हो। जब ज्यादा श्यामा रोई है भाइयों तो सास ने कह दिया जा जा चूड़ी ले जा और बेचा, और श्यामा चूड़ी लेकर के बाजार में चली है। कैसे ले चूड़ी को चाली बजरिया में और भागती जाती डगरिया में, हाँ हाँ भागती जाती डगरिया में। जाई सुनार को चूड़ी दिखाई, कीमती थोड़ी लगाई, क्या माँ सोचे जिगरिया में और भागती जाती डगरिया में, हाँ हाँ भागती जाती डगरिया में। बजरिया में और भागती जाती बजरिया में, हाँ हाँ
जाए के कहानी कह दीनी। सासुली डूबी फिकरिया में, फिकरिया में, अरे भगत जाती डगरिया में, हाँ हाँ भगत जाती डगरिया में। ले चूड़ी को चाली बजरिया में, बजरिया में, अरे भगत जाती बेचने के लिए बाजार में गई है तो उसे आवश्यकता के अनुसार कम पैसे मिले हैं, तो उसने सारी बात आकर के अपनी सास को बता दी है और सास कहने लगी है, बेटी तुम जा तो रही हो लेकिन मेरी बात सुनो। तो कहने लगी है, बोलो माँ। तो क्या बोली है? सासुली कहे सुनाई रही समझाई, बेटी तुम जइयो रक्षा बंधन के बादरी, मेरी लली लौट घर आइयो। पीहर को चली है कैसे, अरे श्यामा मिल के सासुली पे, और वह चली आजू भाई याते समझा करके श्यामा से कहा है बहू चली जा, तो श्यामा आज अपने पीहर को चली है। कपड़े फटे पुराने हैं लेकिन उसने अपने कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया है और मन में क्या क्या सोचती चली जा रही है आज वो बिटिया। मन में भारी खुशी बहन के छाई है, मिलू व्रत से जाई चली हर साई है। घबराई है, मिलूं रात से जाई चली।
इसी आशा में मन में विचारती हुई जैसे ही श्यामा अपने घर से निकली है उसे अशगुन होने शुरू हो गए हैं। अरे बिटिया आंगे कूं दाई और विधवा हो रहे हैं। अरे टीयू 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 करे टीटुयायु पर गीदर हो मड़राए और सूखी डाल पे कौआ बैठो अपनी वाणी रहो भक्तो। श्यामा अपने भैया के पास पहुंच गई है। जैसे ही भैया ने अपनी बहन को देखा है तो अपने हृदय से लगा लिया, कहा मेरी बहन कितने दिनों बाद आई है तू। जैसे ही ये सखियों ने देखा है तो कहने लगी हैं, श्यामा तुम अपने भैया से ही मिलती रहोगी, हमारे पास नहीं आओगी। और क्या बोली है, साथ की सहेली करे पुकार बहना जी अरवा है बेजान मुंह को मिलाया है मेरी बहनारी दिल घबराया है मेरी बहनारी।
सुनकर के श्यामा ने अपनी वो अशगुन वाली बात बताई है तो सहेलियां कहने लगी है, बहन रो मत, ये अशगुन कहीं सत्य नहीं हुआ करते हैं। और तुम्हें पता है कल हरियाली तीज है और इस त्योहार में अपने भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर मेला लगता है, मेला में नहीं चलोगी? जब इतने शब्द सुने हैं तो श्यामा अपनी आंखों में आंसू भर करके क्या बोली है, सुन के इतनी बात अरे तब रोई के श्यामा बोली, भाभी के पास चली जाओ, चुनरिया मांग लो और मुंदरिया मांग लो, अरे तुम तो अकेली ननद हो, तुम्हें तो वो दे देंगी, मना नहीं करेंगी। जब इतने शब्द सुने हैं तो श्यामा अपनी भाभी के पास गई है और क्या बोली है, भाभी श्यामा भाभी के पास गई और सब अहवाल सुनाया है, मेला की करुणा लग रही भाभी, मेरा दिल हर साया है, भाभी मेरा दिल हर साया है, मेरी साथ की सखियां जाई रही हैं, मेरी चुनर है अनमोल, नन दिया नाई दूंगी, नाई दूंगी अनमोल चुनरिया नाई दूंगी,
श्यामा सुनी ननदी मेरी प्यारी, चुनर है अनमोल हमारी, जको लाख टका है मोल चुनरिया, नाई दूंगी नाई दूंगी अनमोल चुनरिया नाई दूंगी। मेरी चुनरी है अनमोल चुनरिया नाई दूंगी नाई दूंगी अनमोल चुनरिया नाई दूंगी। दाग लगाया घर चुनर में सोच ले बाबज बोलिए श्यामा मैं तुम्हें अपनी चुनरिया तो दे दूंगी, लेकिन एक बात ध्यान में रहे कि अगर मेरी चुनरिया में दाग लग गया तो मैं वो दाग तुम्हारे लहू से साफ करवा लूंगी। जब ये शब्द श्यामा ने सुने हैं तो दिल में क्या सोचने लगी है, भाभी मुझे चुनरिया दे दो, भाभी तुम मुझे कितना प्यार करती थी, आज मुझे अपनी चुनरिया नहीं दे रही हो, मुझे अपनी चुनरिया दे दो भाभी, और तुम लहू में धुलवाने की बात कर रही हो, और मेला में हम जाए तुम्हें बतलाए रे रज गुजारी रे रज गुजारी, भैया से कह के भावी दी क्यों नर दे मतवारी, भैया के कहने से मेरी भाभी दे दो भाभी, मैं भैया को बुला लूंगी भाभी, अरे भैया को लाओ बुलाई, और रोई रोई श्यामा ने बताई, सारी बात आकर के अपने भैया को बता दी है, और भैया जब गया है अपनी पत्नी के पास कहा है हमारी बहन को चुनरिया दे दो, उन्होंने कहा है कि मैं चुनरिया तो दे दूंगी लेकिन एक मेरी शर्त है कि अगर मेरी चुनरिया में दाग लग गया तो मैं उस दाग को तुम्हारी बहन के लहू से धुलवा लूंगी। तो उन्होंने कहा हमें मंजूर है चुनरिया दे दो, जब चुनरिया दे दी है तो आज वह बहन उस चुनरिया को ओढ़ के चली है, ओड़ी चुनरिया चली बहन मन में हर साथी है, और संग सहेली ने साथ आज मेला कू जाती है, पहुंच गई मेला में जाए
सब सजना शीतलाई भाइयो। जब वो मेला में पहुंच जाती है तो वहां पर होता क्या है? पर मेला में रमते रमते वो भागी की ज्योति भी चल गई, उड़ रही चीलुनी अमर में वोई दाग हुरकिनी लगा गई, वोई दाग हुरकिनी लगा गई। श्यामा ने जैसे ही ये दाग देखा है तो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी है, क्या लागा चूनर में दाग धुलाऊ कैसे, लागा चूनर में दाग धुलाऊं कैसे, लगा चूंदर में दाग भाइयों। जब वो बहुत रो रही है तो उसकी साथ की सहेलियों ने कहा है, बहन तुम रो मत, यहाँ पास में तालाब है वहां पर चली जाओ, इस चुनरिया को साफ करके धुलाओ वहां पर। जब वो गई है खूब धोआए लेकिन वो दाग नहीं छूटा है तो कहने लगी है, बहन अब मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर अपनी आत्महत्या कर लूंगी। तब सखी कह रही है, बहन ऐसा मत करो और हमारी कही मानो। तो समझा रही है, क्या बोली है सखी रही समझाए, सुनो चितलाई आज मेरी बहना तुम घर को आली चालो, मान लो मेरो कहना। ये सब बातें जाकर के उसने अपने भैया को बताई हैं। तो जैसे ही ये बातें उसकी भाभी ने सुनी है तो घर में से बाहर निकल के आई और कहने लगी, ओ भागनी मैंने तुझसे मना किया था कि मेरी चुनरिया मत ले जा, लेकिन तू नहीं मानी और क्या बोली है, सुन ले नदी तेरे खून से चुनर धोलवाऊं, बदलाऊं
बात हमारी चुनरिया। भक्तो, अपनी पत्नी की इस प्रकार की बातें सुनकर के वो कहने लगा है कि मैं धुलवा दूंगा, तो कहने लगी है कि कोई धोबी पर धुलवाने की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी बहन के लहू में ये चुनर धुलेगी। तो कहने लगा, ऐसा मत कर, अरे मेरी अकेली बहन है जिसके तू लहू में चुनरिया धुलवाना चाहती है। तो वो कहने लगी है कि अगर तुम ये चुनरिया नहीं धुलवाओगे तो या मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी या मैं सदा के लिए अपने पिहर चली जाऊंगी, वापस कभी लौट करके नहीं आऊंगी। जब इतने शब्द सुने हैं भक्तों, तो सोचने लगा है कि बहन तो हम किसी और से भी कह लेंगे, लेकिन अगर घर से बीवी चली गई तो हम किसी से और से अपनी औरत तो नहीं कह पाएंगे। तो आज वो भैया अपनी बहन के साथ में छल करने के लिए तैयार हो गया है और अपनी बहन से बोला है, बहन क्या बोला है? बोला, भैया सुन लो बहना, चलो वन में घूम कर आते हैं और सुबह का वक्त बिता करके शाम ढले घर आते हैं। श्यामा को वन में ले गया है, जैसे ही श्यामा ने अपनी नजर घुमाई है तो उस भैया ने उसके गले में छुरी भोंक दी। जैसे ही उसने देखा है कि जो मेरी रक्षा के लिए मेरे साथ आया था, आज वही रक्षक मेरे लिए भक्षक बन गया है। तो आखिरी शब्दों में श्यामा अपने भैया से कहने लगी, भैया तुमने जो किया वो अच्छा किया, लेकिन मरते दम मेरी एक बात सुनो। तो क्या बोली है वो बहना? भैया से श्यामा बोली, कुछ सांस रुकते एक आस मेरी बाकी, सुन भैया मरते पाई भ्रात, तुमने ये क्या किया? मैं अपने घर क्या कह के आई थी भैया? सासुल के घर से आई एक साथ राखी लाई, जो साथ लेके आई वो भी ना बांध पाई। We'll be right back.
आज मौजूद मेरी माँ होती तो मुझे ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता भैया। आज पास मेरे बिरना गरु मैया मेरी होती, गोदी में उठा करके अस्नों से मुकुड़ा धोती। मैंने तुम्हारे हाथ में अपनी राखी नहीं बांध पाई भैया, लेकिन जो हुआ वो ठीक हुआ भैया। तुम मेरे भाभी के दिल की इच्छा पूरी कर देना ब्रात। राखी के लिए भैया मैं जोड़ी बेच आई, मेरा गला रुंध रहा कलाई। गांव की तरफ लेकर के चला है कैसे, लेके चुनरिया भैया भागो लई नंगरी की सीध लगाए। और जैसे
और कहे साधना सुनो सजनों, गाथा पूरी भई हमारे।